भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एनआईए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एनआईए कोर्ट ने चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं अखिलेश यादव ने आज महामिलावट के मुद्दे पर प्रधानमंत्री पर पलटवार किया। साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने के खिलाफ अर्जी एनआईए कोर्ट ने खारिज की। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने रोड शो करके शक्ति दिखाई। आज कांग्रेस में शामिल हुए सांसद उदित राज बीजेपी का साथ छोड़ा। महामिलावट वाले बयान पर अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर पलटवार। अखिलेश ने पूछा 38 दलों से बनी एनडीए की मोदी सरकार क्या है। 21 दलों की सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका, वीवीपैट से वोटों के मिलान करने का मामला। साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने के खिलाफ याचिका को एनआईए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एनआईए कोर्ट ने कहा कि साध्वी के नामांकन को चुनौती देने का ये सही मंच नहीं है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने आज भोपाल में रोड शो के बाद कांग्रेस पर हमला बोला। हमारे शिवराज जी ने कन्या जब गर्भवती तब से लेकर के गर्भवती स्त्री से लेकर के और जो जन्मजात जन्य होती है उसके भविष्य तक का निर्माण कर दिया था, उसके भविष्य तक कर दिया था। लेकिन चार महाधीश सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने पूरा सत्यानाश कर दिया, सभी कल्याणकारी योजनाएं समाप्त कर दी। महागठबंधन को महामिलावटी कहने पर अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को जवाब दिया है। अखिलेश ने पूछा है कि 38 अलग अलग दलों से बनी मोदी सरकार क्या है। अखिलेश ने किसानों की आत्महत्या और जवानों की शहादत को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उधर बीजेपी से नाराज सांसद उदित राज आज कांग्रेस में शामिल हो गए। ये जो कह रहे हैं कि हमारा महागठबंधन है वो महामिलावट का कह रहे हैं, लेकिन पत्रकार साथी सोचिए 38 दलों वाले मिलकर के क्या बना रहे होंगे। हम नहीं कहेंगे, ये नौजवान जो कह रहा था, ये 38 दल वाले लोग और कहते हैं कि देश को मजबूत प्रधानमंत्री नहीं दे सकते। जब मैं बेस्ट परफॉर्मर हूं और नंबर वन हूं कंट्री के अंदर परफॉर्मेंस में, जाके लोकसभा के क्षेत्र जीत लें, चुनाव जाके जीत, हम जमानत जब्त करा देंगे वहां पर, जाके जीत लें। मैं अभी कह रहा हूं आपको, क्या पॉपुलरिटी है मेरी क्षेत्र में, तो मेरा टिकट क्यों काटा गया? तो ऐसे पार्टी में रहना चाहिए, इसके मतलब उन्होंने खुद ही छोड़वा दिया। वहीं 21 विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम के जरिए वोट के वीवीपैट पर्चियों से मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। विपक्षी दलों ने मांग की है कि 50% वीवीपैट वोटों का मिलान कराया जाए।